अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल खान ब्लॉगर। एक और नई वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। एक और नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुई है और अभी टाइम हो रहा है 9:23 का। मुझे असल में टॉर्च की वजह से दिख नहीं रहा था। 9:23 का टाइम हो रहा है। सुबह से मैं बिजी था कुछ कामों में, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना सका। अभी हम लोग आए हुए हैं कपड़े सिलवाने के लिए आए थे, बट मुझे मेरा जोड़ा नहीं मिल रहा था जो कि मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आया था तो हमने लिया था। बट अभी मम्मा ने इधर से मेरे लिए नया जोड़ा मुझे ले दिया और जो है वो सीने के लिए दे दिया। अभी मैं उधर ही गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मम्मा वेलकम जी, सो मम्मा आ गई हैं और मम्मा अपने जोड़े देने के लिए गई थी सीने के लिए, और मैंने भी अपना जोड़ा सिलवाना था क्योंकि जोड़े जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। अभी मम्मा कहाँ जाएंगे? कहीं ले जाऊँ? कहीं भी ले जाऊँ का क्या मतलब है? घर ले जाऊँ? घर ले जाऊँ। चलो अब घर चलते हैं और अगर थोड़ा सा चक्कर मारेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे, नहीं तो घर में मिलते हैं आप लोगों को। और आज का व्लॉग इसी दिन के साथ और इसी टाइम के साथ शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 2000 years later. So दोस्तों, एक और नए दिन में आप सबका वेलकम है। व्लॉग वही पुराना है, नया दिन हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 5:45 शाम के और अभी हम लोग आए हैं मुस्तफ़ा को एकेडमी छोड़ने के लिए क्योंकि आज उसकी थी फर्स्ट क्लास। एडमिशन हम लोग करवा चुके हैं उसका। ये कोई इमाला फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेजेस है, इधर मैं आया हुआ हूँ अभी जस्ट ड्रॉप करने के लिए उसको आए हैं हम लोग। और आज उसकी क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, देखते हैं आज का दिन के साथ, आज का मतलब आज के नए दिन के साथ वही पुराना व्लॉग शुरू करते हैं। और कल रात को मैं गया था बाल कटवाने, कह रहा हूँ कल रात को मैं गया था कपड़े सिलवाने के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग वगैरह शुरू कर दिया जाए, तो व्लॉग वगैरह मैंने कल रात को ही शुरू कर दिया था। बारिश बहुत मज़े की हो रही थी। कल रात को हम लोग कपड़े सिलवाने के लिए गए हुए थे, वही हम लोग कपड़े दे के, बस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पानी हर तरफ भर गया था, तो इस वजह से हम लोग फ़ौरन वापस आ गए थे और जो है हम लोग कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जा सके। अभी हम लोग आए हैं इसको छोड़ने के लिए इधर। इसके बाद प्लान है, मेरी तरफ से प्लान है कि हम लोग जाएंगे B17 और उधर जाके जो है हम लोगों ने थोड़ा सा देखना है। एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद में पिशावर रोड के ऊपर, आगे की तरफ आप टेक्सला की तरफ जाते हैं तो उधर लेफ्ट साइड पर आप लोगों को B17 नज़र आती है। अभी हम लोगों ने जाना है B17। उधर मेरी यूनिवर्सिटी भी है, सर सैयद केएस यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने एडमिशन करवाया था अपना, उधर भी जाएंगे, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी भी देखेंगे और जो है उधर की हाउसिंग सोसाइटी भी देखेंगे और देखते हैं वो कैसा एरिया है। फिलहाल जल्दी से मम्मा अंदर गई हैं उसको क्लास में छोड़ने के लिए। क्लास में छोड़ के जब वापस आएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो B17 चलेंगे। देखते हैं कैसी एरिया है, सारा आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आती है तो, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलती है मुझे। और मैंने काफी अर्से बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो थोड़ा सा अगर मैं कंफ्यूज दिखूं तो बेयर विद मी, इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा आदत हो जाएगी और हाथ बैठ जाएगा मतलब व्लॉगिंग के ऊपर। तो एरिया के साथ भी थोड़ा सा नया है, जैसे मैं हर व्लॉग के अंदर बताता आ रहा हूँ आप लोगों को पाकिस्तान के, तो इंशाल्लाह इससे भी आदत हो जाएगी और जो है वो आप लोगों के साथ सारा शेयर करते हैं, मजा आएगा। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको बोले एक एक को पकड़ पकड़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सारी आईडीज के साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। 2K काफी अरसे से होने वाले हैं बट अभी तक नहीं हो सक रहे। मम्मा आ गई हैं सामने से, मुझे आती हुई दिख रही हैं, देखते हैं अभी चलते हैं B17, नहीं तो जो पक्का प्लान होगा वो मम्मा से पूछेंगे। मम्मा से घर से निकलते वक्त बात हुई थी कि अब मुस्तफ़ा को एकेडमी छोड़ के B17 जाएंगे। अब मम्मा आ गई हैं तो मम्मा से पूछते हैं कि B17 ही जाना है कि नहीं, तो मम्मा से पूछते हैं फिर उसके बाद पता चलता है। आ गई यस, ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा जी फिर से ब्लॉग बंद है कल रात वाला। अच्छा जी, जो कल रात को शुरू नहीं किया था जी। मैं अभी बता रहा था इनको कि हम लोगों ने अभी मुस्तफा को तो अकेडमी छोड़ दिया, अब कहाँ जाना? अब चलो ना, B17 नहीं जाना, जल्दी B17 चले, रात हो जाएगी फिर। तो चले हम लोग B17 चलते हैं। अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो 3 दाने ही बचे हैं, तो ये PSO का पंप मिला है हमें B17 जाते जाते, तो इसमें से पेट्रोल भरवाते हैं, देखते हैं कि पेट्रोल फुल तो नहीं करवाएंगे, खैर पेट्रोल भरवा लेते हैं। हम लोग देख रहे होंगे टैंकी फिर से खाली है और हम लोग चल पड़े हैं क्योंकि
हम लोगों को डलवाना है कार्ड से, और कार्ड की पेमेंट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों इनके पास कह रहे हैं कार्ड। और यार शीशा बंद करो, कह रहे हमारे पास कार्ड चलता ही नहीं है। ये टोटल वाला आ गया, पेट्रोल पंप आ गया, पीछे 3-4 पेट्रोल पंप से पूछते आ रहे हैं, किसी के पास कार्ड एक्टिवेट है ही नहीं, पता नहीं, इनसे पूछते हैं, देखते हैं। अल्लाह करे इधर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो पेट्रोल तो ख़त्म है गाड़ी में। इधर से ही भी वैसे ही वापस आ रहे हैं हम लोग, कार्ड ही नहीं चल रहा। चलो B17 के अंदर हो सकता है कोई पेट्रोल पंप हो, उधर से भरवा लेंगे। आगे शेल का एक पेट्रोल पंप आ रहा है, देखते उधर से चेक कर लेते हैं। ये जितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं इनके पास तो होना चाहिए, बट इनके पास भी नहीं है, ये बड़े अजीब सी बात है। ये आगे शेल का पेट्रोल पंप आ रहा है, इधर से एक दफ़ा लास्ट टाइम पता कर लेते हैं, अगर हुआ तो सही है, नहीं तो फिर भरवा लेंगे, नहीं तो जो है वो B17 के अंदर कोई पेट्रोल पंप देखेंगे। आई होप कि उधर होना चाहिए, क्योंकि वो B17 एक हाउसिंग सोसाइटी है, अच्छी सी, अच्छी खासी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, तो इसलिए उधर होना चाहिए। आप पता करते हैं इधर से, डीजल डीजल इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं है। नहीं नहीं पेट्रोल कार्ड चलेगा, पूछ ले कार्ड चलेगा, कार्ड चलेगा भाईजान, कौन सा एक्सेल वाला कार्ड चलता है? नहीं नहीं HBL का जी, इधर भी नहीं चलता जी, जियो जी जियो। चलो खैर, पेट्रोल पंप पे एक और पेट्रोल पंप है, अटक पेट्रोल पंप, इसके ऊपर अभी हम लोग आए, तो मामा ने पर्स देखा तो शुक्र है उसके अंदर से 3,000 रुपये निकल आए, तो अभी 3,000 का पेट्रोल डलवाते हैं। कार्ड तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चलो कैश का ही डलवा देते, मामा कह रही जितने पैसे हैं उतने का तो डलवाओ। चलो पेट्रोल डलवा दें जल्दी से, और ये देते हैं जी पैसे उनको। ठीक है जी, ये सुबह सुबह आज इसका स्कूल था, स्कूल लेके गई थी आज इसको, आज इसको स्कूल लेके गई थी, और ये देखे सूतियाँ उठियाँ बाल खिल रहे हैं, वो जी पेट्रोल भी पूरा हो गया लम। तो जी फाइनली देखे जी 3,000 का पेट्रोल डलवाया और आधी टंकी पूरी हो गई है, आधी टंकी हो गई है किस चीज़ के लिए। सो दोस्तों फाइनली आफ्टर 50 मिनट्स अबाउट 50 मिनट्स हम लोग जो है वो B17 मल्टी गार्डन्स पहुँच गए हैं, गेट नंबर 2 से एंटर होंगे। और मम्मा को पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अभी भी सो रहा है, और उसको उठाते हैं और देख वो ब्रेक करा है आराम से। ये मल्टी गार्डन्स देखें, ये यार देख जहाँ फोकस ही है, वो किधर से जा, क्या दिखाने थे। फाइनली हम लोग B17 के अंदर एंटर हो गए हैं, एंटर होते साथ ये लेफ्ट साइड के ऊपर को पार्क है, और अभी हम लोग पहले अपनी यूनिवर्सिटी देखें। मैं मुझे इधर से ये है कि ये देखें सामने पहाड़ों का भी व्यू आता है, वो पीछे देखें, अभी इधर मस्से मामा लोगों को मैं पहले यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ अपनी, उसके बाद चलेंगे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे लेक व्यू पॉइंट। इधर से हमने होना है राइट, हो जाते हैं राइट, हमने हमने उस गली में जाना है। जब तक मैं पिछले दफ़ा आता था तब तक तो सारे रॉन्ग साइड लेके चले जाते थे, अभी मैं भी चले जाऊँगा। स्ट्रीट नंबर 40 में जाना था, ये स्ट्रीट नंबर 40 मुझे अभी भी याद है, मैं
गेट के ऊपर उतरा था बी 17 के और इधर तक पैदल आया था, और अभी भी काफी अंदर है यूनिवर्सिटी। आलियान, आलियान, माशाल्लाह, मम्मा को घर बहुत ज्यादा, मुझे खुद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो अच्छे अच्छे घर होते हैं। हाँ नहीं वो मजा नहीं करते, जैसे कुछ ज्यादा ही फजूल फजूल सा बनाना होती है ना, वो तो बहुत अजीब। ये देखें, ये भी अच्छा है ना, बहुत प्यारे प्यारे घर बनाए माशाल्लाह। ये कनाल कनाल के, कोई पसंद आएगा तो उसकी फोटोज वगैरह खींचेंगे। इधर से लेफ्ट होना है हमने, फिर ये कोई बीच में ये जो सामने बनी हुई है बिल्डिंग्स, ये कोई शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन रहे हैं इधर, नहीं फ्लैट्स नहीं है, ये दुकानें वगैरह हैं। हाँ हाँ जी, ऊपर हो सकते हैं फ्लैट्स हों शायद, नीचे नीचे शॉप्स वगैरह। फिर यहाँ से वो राइट लेना, वो दिख गया सर, सैयद केएस यूनिवर्सिटी, इधर से हम राइट लेंगे एक दफा। ये राइट लेते सर, ना वो दस महीने बाद में आ रहा हूँ वापस। ये जी मेरी सर सैयद केएस यूनिवर्सिटी, वो रही सर सैयद केएस यूनिवर्सिटी। सो जी ये B17 की, ये तो जो राइट साइड पे जो घर देख रहे हैं ये तो सारे जो है ना रियल स्टेट वाले बैठे हुए हैं, ये साथ राइट साइड पे जितने भी हैं, और ये मेन रोड है, और लेफ्ट साइड पे अभी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई है हमने अपनी, मैंने अपनी, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे राउंड वाउंड मारते हैं, थोड़ा देखते हैं B17 को। इस चौक को कहते हैं ये घोड़ा चौक है इस... तो तो दोस्तों B17 घूमने के बाद अभी हम लोग आए हैं मलंगजान बन्नू बीफ पुलाव खाने के लिए। इधर ही बैठ के नहीं खाएंगे, पार्सल करवाएंगे, वो सामने देख लगा हुआ, और इधर से चावल लेंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं फिर। चलो क्या वालियान, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है।